तू जमीन में बैठने की अपनी आदत डाल ले, क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और भले चंगे होंगे। हम भी बहुत ही बढ़िया हैं। और आज आप लोग देख रहे हो हमारा गेटअप लुक कैसा है, तो आप लोग जरूर बताना कौन सा गेटअप लुक है। तो आप लोग जान गए होंगे और बताना क्या आप, चलो बता ही देते, सस्पेंस नहीं रखते। आज गंगूबाई वाला मैंने गेटअप लुक रखा हुआ है। और आज क्या है, आज से बहुत स्पेशल डे है, आज हमारे पति देव जी का जन्मदिन है। आप लोग ढेर सारी उनको ब्लेसेस दीजिए, ढेर सारी उनको शुभकामनाएँ दीजिए। और आज वो अभी बिजी हैं, आज उनको मतलब अपने कुछ और भी काम में वो बिजी हैं, तो ज़्यादा टाइम है, मतलब कितना टाइम में आते हैं वो। और अभी टाइम, अभी ये शाम का टाइम हो रहा है, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। सुबह वो मंदिर भी गए थे, मैं तो नहीं गई थी, मंदिर गए थे और फिर खाना खा के भी निकल गए। अभी आए थे, खाना खाए 2-2:30 बजे और फिर चले गए हैं अभी। और मतलब केक वगैरह उनको अच्छा नहीं लगता काटना, बोलते हैं ये बच्चों का काम है, हमें नहीं अच्छा लगता है। बट अब क्या होता है, अब देखते हैं, बोले कि देखते हैं यदि शाम को जल्दी आ जाऊँगा तो कट करना नहीं, बाकी केक वगैरह मत करना। तो चलिए मैं कुछ उनके मन का ही पसंद का खाना बनाने वाली हूँ रात में, तो थोड़ा लेट हो जाएंगे ना, तो वो भी अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर लेंगे जो जहाँ मतलब रहेंगे, और नहीं तो होटल वगैरह चले जाएंगे वहीं से। और आज उनके मन का कुछ क्या बनाने वाली खा रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को हमारा पूरा देखिए। तो मैंने छोले फुला के रखे हुए हैं, तो वही बनाने वाली हूँ। अब देखती हूँ, ज़्यादा तो उनको मन नहीं आता है, और बाकी त्यौहार लगे हुए हैं ना, तो फिर बनाऊँगी। अभी त्यौहार लगे हुए हैं, बच्चों का छुट्टी भी अभी आ रहा है। और अब 19 तारीख को बेटी का भी बर्थडे है, तो 15 को इनका आता है और 19 तारीख को बेटी का आता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू रखें। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए। और कमेंट करके ज़रूर बताना हमारे ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग ना इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो को तैयार करने के लिए। तो आप प्लीज़ ऐसे ही अपना, तो चलिए फिर यहाँ पे देखिए सब ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा है, तो थोड़ा मैं यहाँ पे बेड वगैरह सेट कर देती हूँ। और आप लोग पता नहीं मेरी साड़ी आज की कैसी लग रही है, और इनको काफ़ी पसंद है ये वाली साड़ी, इनको अच्छा लगा तो यही लेके आए हैं। और मुझे भी अच्छी लग रही, बड़ी सिंपल और बहुत ही कम्फर्टेबल साड़ी है। और चलिए फिर यहाँ पे थोड़ा बेड वगैरह मैं सेट कर दे रही हूँ, यहाँ पे सोफा वगैरह ऐसे सब पड़े हुए हैं, तो मैं इनको भी सेट कर देती हूँ। और फिर चलिए फिर चलते हैं, शाम का टाइम तो वैसे भी हो चुका है, तो करते हैं फिर खाने की, खाना बनाने की तैयारी। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप सभी को मतलब एडवांस में हैप्पी होली। और ये देखिए मेरी साड़ी का फुल लुक, मैं सिर पे पल्लू रख के कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताना। और ये ब्लाउज का मैंने मेच बनाया है, बोटनिक का ब्लाउज है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को और ज़रूर बताना। और ये देखिए टाइम कितना हो रहा है, और आज मैंने ये वाले ईयर रिंग्स भी पहनी हुई है, बड़े वाले झुमके वाले। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ पर मैंने आलू बॉयल करके रख दिए थे, मटर भी साथ में ही पका लिया था मैंने, तो छोले नहीं मटर मैंने पकाया हुआ था, और छोले अभी नहीं रखा था, मटर था। उन्हें यहाँ पे 3 बड़े प्याज लहसुन मिर्च मैंने काट लिया है, और बनाने वाले हैं लोहे की कढ़ाई पे। तो चलिए फिर फटाफट से बना लेते हैं। और पूजा हो गई है, बेटी निकल लिया है, और यहाँ पे डाल रहे हैं सरसों का तेल, तो गर्म हो चुका है। अब डालेंगे यहाँ पर जीरा 1/2 चम्मच, 1 पत्ता डालेंगे और 1 चैली डालेंगे, तो ज़्यादा गर्म मसाला नहीं बट गर्म मसाले डालेंगे। यहाँ पर 4 से 5 मैंने काली मिर्च कूट लिया है, 2 लौंग, और वो जब हो चुका है तो यहाँ पे अब हम प्याज का पेस्ट डाल देंगे। तो अब इसको हम पकाएंगे जब तक तेल नहीं छोड़ देता है, हमारा मसाला पक नहीं जाता है। और यहाँ पे देखिए टमाटर मैंने 4 टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के मैंने काट के रखे हैं, और बस जैसे बना रही हूँ जिसे आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और ये लोही कढ़ाई बना रही हूँ, इससे ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और यहाँ पे देखिए मैंने हल्दी भी ऐड कर दिया है, और ये देखिए मसाला हमारा ये वाला प्याज का पेस्ट रेडी हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने प्याज पीस, सॉरी प्याज बोलते हैं, टमाटर का पेस्ट हमने जो पीस कर रेडी किया है,
तो अब उसी में हम ऐड कर देंगे। तो यहीं पे अब हम ऐड कर दे रहे हैं, और ये मिक्सी के जार में थोड़ा सा लगा पानी डाल के थोड़ा सा इसको भी खंगार लेंगे, क्योंकि नो वेस्ट वेस्ट नहीं जाना चाहिए कुछ भी। तो पानी हल्का सा डाल लेंगे, तो वैसे भी पकता है ना, तो पानी पूरा जल जाता है। और यहाँ पे अभी इस मसाले को भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ दे। जब तेल छोड़ेगा तभी इसकी असली मतलब पहचान होती है कि यहाँ पे ये पक चुका है। देखिए तेल छोड़ दे, अब यहाँ पे हम डाल देंगे धनिया पाउडर। तो ये हमारा घर का बना हुआ है, इसमें गरम मसाला वगैरह सब ऐड रहता है, मतलब सब मिला के पीसते हैं इसको। और ये देखिए चलाते चलाते हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो देखिए पानी बिल्कुल नहीं है, तेल छोड़ दिया, बिल्कुल सूखा करा ही छोड़ रहा है। तो आप चलिए इस पर हम ऐड कर देते हैं जो हमारे बॉयल्ड आलू हैं। तो अब इसी में हम डाल के इसे 5 मिनट तक भूनेंगे, ताकि जब तक इसमें मसाला अच्छा से ऐड नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आलू भून चुका है, तो अब हम ये मटर को पानी के साथ ही डाल देंगे। तो ये देखिए अब इसको थोड़ा सा ऐसे चला देंगे, अब इसमें कोई भूनने वाला काम ही नहीं, क्योंकि मैंने उसको पानी के साथ ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा मटर का ये पानी इसी पे डालने दे रही हूँ। और बस क्या करना है, नमक डाल दूँगी और इसको अब ढक के मैं रख दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। और इधर साइड मैंने दूसरे गैस पे चढ़ा दिया है थोड़ा सा, बस सेवैयाँ, मन था कि सेवैयाँ मीठा कुछ बना लेती हूँ, लेकिन बच्चे लोगों को पसंद नहीं आता, तो मैं ज़्यादा नहीं बना रही, थोड़ा सा बना रही हूँ, बस आधा पैकेट का, एक पैकेट का आधा पैकेट बना रही हूँ ये देखिए। और इसको मैंने भून दिया है अच्छी तरह से, तो अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया है, तो ये आधा किलो दूध इसमें मैंने डाला हुआ है। और ये देखिए इसको मैंने घी से भून के इसके निकाल दिया है। और ये देखिए सब्ज़ी भी हमारे यहाँ पास रेडी हो चुकी है, ये देखिए सब्ज़ी मैं रेडी हो चुकी है, तरी वाली सब्ज़ी। और ये पसंद आती है, पतिदेव जी की बहुत पसंदीदा सब्ज़ी है ये। और बस सब्ज़ी को यहाँ पे बंद कर देंगे। और यहाँ पे देखिए सेवैया हमारी, इसमें हमने डाल दिया, तो ये हमारी बलक रही है। और इसी में अब हम चीनी ऐड कर देंगे और इसको धीमा आंच कर देंगे, तो ये पक जाएगा। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी निकाल दिया है, और इसमें डाल दे रही हूँ धनिया पत्ता, और इसको डाल के मैं ढक दूँगी। तो ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं बनाया, बस हो गया, मैं ऐसा ही कुछ बना ले रही हूँ। और ये लेके आए थे दोपहर टाइम, समोसा वगैरह भी लेके आए थे, तो मैंने बीड़ी क्रीप नहीं लिया था। और यहाँ पर देखिए सेवैया भी हमारी रेडी हो चुकी है। और चलिए फिर अब बना रहे हैं पूड़ियाँ। तो यहाँ पर देखिए आटा मैंने लगा कर रख दिया था, तो ये देखिए मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बेलते जाएँगे, और बस गर्मा गर्म फिर इनके लिए मतलब थाली भी लगा देंगे। और बच्चों को खाना तो मैंने दे दिया है, अभी ये टाइम हो रहा है कितने समय, ये 8:30-9 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकल रही हैं, तो चलिए आज आप लोग भी आ जाइए, पार्टी में शामिल हो जाइए आप लोग भी। तो ये रहा आज का हमारा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग, आप लोग ज़रूर बताना आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा। और यहाँ पर देखिए थाली मैंने यहाँ पर लगा लिया है, तो ये देखिए अचार, नमक है, प्याज है, और यहाँ पे पूड़ियाँ चार रख लिया, और आलू और मटर की सब्ज़ी हो गई, सेवई हो गई। तो ये रही आज की हमारी स्पेशल थाली। और अभी तो त्यौहार है, तो डेली कुछ ना कुछ तो बनता ही रहेगा। तो आज का ब्लॉग वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, वीडियो पे। बाय।